This is how you get speech super fast from ElevenLabs API using the stream method. Hey YouTube Consulting, जो यहाँ एक और वीडियो के साथ, और ये होगा कि कैसे पर stream आपका इलेवन लैब्स का पार्ट सीधे उनके API से एक ऑडियो प्लेयर पर प्लेयरफी अभी से जितना तेजी से चला सकें, और इसलिए हमें वह मूलभूत डेमो है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। और कुंजी है स्ट्रीम API का उपयोग करना बिल्कुल, लेकिन हम चाहिए कि उसे FF खेलने के माध्यम से पाइप करें FFMP, तो FF Play FFMP का प्लेयर है। हमें ऑटो एक्सिट का उपयोग करना चाहिए और फिर बस इस डैश की सहायता से हमें मिलने देगा शुक्रार। जैसा कि डेटा आता है, ये हमें ऑडियो स्वयं को शुरू करने के लिए पर्याप्त देगा। फिर हमें इसे खेलते हुए देखने से सबूत मिलेगा। तो मेरे पास यहाँ कुछ पार्ट है, ये है आप कैसे 11 लैब्स API का उपयोग करके स्ट्रीम विधि का उपयोग करके अत्यधिक तेजी से भाषण प्राप्त करें। तो हमें बस करना होगा HLI Python stream और फिर Jim. यह आप 11 लैब्स API का उपयोग करके स्ट्रीम विधि के माध्यम से बहुत तेजी से भाषण प्राप्त करते हैं। और वहाँ हम जाते हैं, यह काफी तेज था, मैं कहूँगा शायद 2 सेकंड। हम जानते हैं कि यह काम कर रहा था क्योंकि हम अपने डाउनलोडिंग देख रहे थे। हम अपने डाटा को टुकड़ों में आते देख रहे हैं। खिलाड़ी ने शुरुआत की, ऐसा लगता है कि ये पहले 2 टुकड़े डाउनलोड करता है और फिर प्लेयर को लॉन्च करने में सक्षम होना था। और फिर उसने कुछ और टुकड़े डाउनलोड किए और वह सिर्फ पाइप कर रहा है। चलो ऐसे एक बार और करते हैं। खूबसूरत मीठा है, और चलिए उसे शुरू करते हैं। काफी मीठा है ना? हाँ, तो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद करें और सदस्यता लें, एक टिप्पणी छोड़ें, और अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अलविदा।